नमस्कार दोस्तों, तो इस समय जांजगीर से एक बड़ा हादसा सामने आया है। मौत का ओवरटेक, रॉन्ग साइड से आगे निकलने की कर रहा था कोशिश, बाइक फिसली और पीछे बैठा छात्र ट्रक के नीचे आ गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में सोमवार शाम ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक छात्र की मौत हो गई। हादसा बाइक चालक की लापरवाही के चलते हुआ। रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में ओवरटेक करने के दौरान बाइक फिसल गई। इसके चलते पीछे बैठा युवक ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गया और उसके सिर के टुकड़े हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रक सहित भाग निकला। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। हादसा कोतवाली क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक नगरडक क्षेत्र के जवे गांव निवासी राजेंद्र कुमार अपने साथी प्रकाश राज सिंह 20 वर्ष पुत्र देवचरण सिंह के साथ बिलासपुर से लौट रहा था। बाइक राजेंद्र चला रहा था। जांजगीर के शारदा चौक पर आगे जा रहे ट्रक को रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में ओवरटेक करने की कोशिश की। इस दौरान बाइक सड़क से नीचे उतर गई और फिसल गई। इसके चलते पीछे बैठा प्रकाश सिंह उछलकर नीचे गिरा और ट्रक के पहिए से कुचल गया। ट्रक के पिछले पहिए से कुचलकर प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। उसका शव भी क्षत विक्षत हो गया। हादसे के बाद चालक तेज रफ्तार में ट्रक लेकर भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रकाश राज से अपने परिवार का अकेला बेटा था और चांपा कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष में पढ़ता था। उसके पिता देवचरण सिंह खेती किसानी करते हैं।